सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी अरहर की दाल और आधा कटोरी चने की दाल। दोनों दालों को हमें आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। और सांभर बनाने के लिए हमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स चाहिए। अब अपनी दोनों दालों को कुकर में डालना है। अब हम कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम लगभग आधा जग पानी डालेंगे। अब एक चम्मच हल्दी डाल लेंगे। थोड़ा नमक डालकर अपनी दाल को पका लेंगे। दाल पकने के बाद सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। इसको फिर से पका लेंगे। चीज़ों के पकने के बाद हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। इससे हमारी दाल और सब्जियां दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इस पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़े से तेज पत्ते के टुकड़े डाल लेंगे। अब थोड़ी सी राई डाल लेंगे। इस तड़के में अब हम अपना सांभर डाल देंगे और तड़के को अच्छे से सांभर में मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा इमली का पानी डालेंगे। इमली का पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारे सांभर का टेस्ट दब जाएगा। इसमें थोड़ी सी पिसी धनिया डालेंगे, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब आधी छोटी कटोरी सांभर मसाला भी डाल देंगे। दोस्तों, सांभर मसाला हमें लास्ट में ही ऐड करना है। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। 5 मिनट पकने के बाद हमारा सांभर अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा साउथ इंडियन स्टाइल का सांभर तैयार हो गया। ऐसी ही अच्छी रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।